उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनेगी बहुत ही मज़ेदार मसाला रोटी और उसके साथ बनेगी लहसुन मिर्च की चटनी। आप यकीन मानिए, अगर आप ये मसाले वाली रोटी और साथ में इसके चटपटी सी चटनी और खट्टा मीठा सा अचार खाएंगे, सब चीज़ें मिला के, यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे बेसन की रोटी बनाने के लिए। यहाँ पे मेरे पास 2 कप बेसन है और 1 कप गंदम का आटा है, जो नॉर्मल चक्की का आटा होता है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास 1 प्याज है स्मॉल साइज़ की, इसको मैंने बहुत फाइनली चॉप किया है, आपने इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। साथ में चॉप्ड 1 टेबल स्पून हरा धनिया है और 2 अदद हरी मिर्च हैं, इसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया है, इसको मैंने भून लिया था और उसके बाद जो है हाथ से मैंने कूट लिया है। हम आटा गूंदना शुरू करेंगे। दोनों आटे जो है, बेसन और गंदम का आटा, दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ में हम शामिल करेंगे इसमें नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें, और अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ नमक बाद में शामिल कीजिएगा। जब आप आटा गूंद लेंगे फिर आप नमक बाद में शामिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मैं एक इसकी थोड़ी सी सख्त सी डो बना लूँगी। ज़्यादा नरम आटा ना गूंदिएगा वरना रोटी बनाने में प्रॉब्लम होगी। आटा हमने गूंद दिया है, अब हम इसके अंदर जो मसाले हैं वो शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास जो प्याज मैंने चॉप की थी, फाइनली चॉप की हुई, ये मैं यहाँ पर डाल दूँगी। हरा धनिया और हरी मिर्च भी शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें जो मसाला यानी कि ज़ीरा और साबुत धनिया मैंने भून के कूट के रखा था, ये भी शामिल कर दूंगी। अगर आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं चटपटा, तो आप इसमें कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून जितनी आप इसमें कुटी हुई मिर्च डाल दें। मैं हरी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छे से हमने आटे को गूंद लेना है। गूंदने के बाद आटा हमारा गूंद गया है, इसे मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए, आप चाहें तो फ्रिज में रख दें, वरना फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे भी इसे रख सकते हैं। लहसुन की चटनी बनाने के लिए मेरे पास यहाँ 8 से 10 हरी मिर्च हैं, 3 से 4 लहसुन हैं, 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर है ज़ीरा, हसबे ज़ायका इसमें नमक जाएगा, और 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल इस्तेमाल करूँगी। हरी मिर्च, लहसुन और ज़ीरे को मैंने पीस लिया है, इस तरह इसका पेस्ट बन जाएगा। अब मैं चटनी को बघार लूँगी। एक फ्राई पैन मैंने लिया है, उसमें मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ये हरी मिर्च का मिक्सर भी शामिल कर दूंगी। उससे पहले मैंने इसमें नमक मिक्स कर लिया है। ये सारा मिक्सचर मैं ऑयल में शामिल कर दूंगी और इसे तेज़ आंच पर पकाऊंगी, यहाँ तक कि जो भी इसमें पानी है वो सारा ड्राई हो जाए और चटनी को हम अच्छे से भून लेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। ये देखें जी, चटनी अच्छी तरह से भून गई है, सारा इसका पानी ड्राई हो गया है। हम इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आटे के हमने पेड़े बनाए थे, छोटे छोटे आप पेड़े बनाइएगा और उसकी हम बना लेंगे रोटी। थोड़ा इसको केयरफुली डील करना पड़ता है, क्योंकि हमने इसमें चॉप प्याज और धनिया वगैरह भी डाला हुआ है, तो अगर आप सख्त आटा थोड़ा सा गूंदेंगे तो आपकी रोटी बार बार टूटेगी नहीं। तवे पे हमने रोटी डाल दी है, इसको अच्छे से हमने सेकना है।
मीडियम हीट के ऊपर आप रोटी को सेकिएगा ताकि बेसन अच्छी तरह से जो है वो पक जाए, रोटी में से कच्ची स्मेल ना आए। रोटी हमारी हो गई है तैयार। इस पे मैं लगा रही हूँ देसी घी, आपको जितना पसंद है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देसी घी इसके ऊपर लगाइए। गरम गरम रोटी हमारी तैयार हो गई है। और जनाब ये हमने रोटी को सर्व किया है मज़ेदार अचार और लहसुन मिर्च की जो चटपटी सी चटनी हमने बनाई थी उसके साथ। अगर आप पराठा बनाना चाहते हैं तो आप इसका पराठा भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा और रेसिपी को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।